लुटेरे दुल्हन जबलपुर निवासी रीना ठाकुर उर्फ सीता चौधरी उर्फ काजल चौधरी। दो दिन पहले राजस्थान के डूंगरपुर की सांगवाड़ा पुलिस ने लुटेरे दुल्हन जबलपुर निवासी रीना ठाकुर उर्फ सीता चौधरी उर्फ काजल चौधरी को दो दिन पहले राजस्थान के डूंगरपुर की सांगवाड़ा पुलिस ने जबलपुर के सिविक सेंटर से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस को उसके एक साल से तलाश। उसके खिलाफ 12 दिसंबर 2021 को प्रकाश चंद्र भट्ट निवासी जोधपुरा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जहां जुलाई 2021 में एजेंट रमेश ने 5 लाख रुपए लेकर रीना ठाकुर से शादी रचाई थी। रीना ने शादी के 7 दिन तक ससुराल में बिताए, इसके बाद पति के साथ जबलपुर गई। लौटते समय रास्ते में रीना ने अन्य साथियों को बुलाकर पति से मारपीट करवाई और उनके साथ भाग गई। इसके बाद रीना और परेश ने अपने मोबाइल नंबर भी बदल दिए थे। राजस्थान की सांगवाड़ा पुलिस को महिला की एक साल से तलाश थी। पतासाजी में सांगवाड़ा पुलिस को खबर लगी कि लुटेरी दुल्हन जबलपुर में गुड्डी बर्मन नाम की महिला के साथ रहती है। गुड्डी बर्मन फर्जी शादी कराने की गिरोह को संचालित करती है। वो लोगों को पैसे लेकर फर्जी शादी कराती है। वहीं गुड्डी का नंबर मिलने के बाद सांगवाड़ा पुलिस ने एक आरक्षक भानु प्रताप को ग्राहक बनाकर बातचीत शुरू की, जहां सांगवाड़ा थानाधिकारी सुरेंद्र सोलंकी के मुताबिक गुड्डी बर्मन ने आरक्षक के पास 8 लड़कियों की फोटो भेजी, जिसमें फरार चल रही महिला रीना का भी फोटो था। आरक्षक ने रीना से शादी करने की हामी भरी। गुड्डी बर्मन ने भानु प्रताप को जबलपुर के समदड़िया मॉल के पास मिलने और एडवांस में 50,000 रुपए लाकर आने को बोला। आरक्षक भानु प्रताप और आरक्षक वीरेंद्र सिंह आपस में दोस्त बनकर मिलने पहुंचे, जहां गुड्डी बर्मन पूजा ठाकुर को लेकर पहुंची। रीना का परिचय उसने काजल चौधरी के तौर पर दिया। बताया कि उसके माता पिता नहीं है, वो मौसी लगती है। दोनों का इशारा मिलते ही कुछ दूरी पर मौजूद महिला आरक्षकों की टीम ने दोनों को ही दबोच लिया और राजस्थान रवाना हो गई। वहीं राजस्थान पुलिस ने खुलासा किया कि रीना चौधरी फर्जी अलग अलग नामों से आधार कार्ड लगाकर शादी करती थी और यही कारण है कि पुलिस को उस तक पहुंचने में 1 साल लग गए। लुटेरी दुल्हन रीना ठाकुर की बजाय उसका असली नाम सीता चौधरी है। वो जबलपुर में गुड्डी उर्फ पूजा बर्मन के पास काम करती है। गुड्डी और पूजा बर्मन ने लुटेरी दुल्हन का गिरोह चला रखा है। उसके पास से कुछ और लड़कियों और उनके फर्जी नाम, पते, आधार कार्ड सहित अन्य कागजात बना कर रखे हैं। ये गिरोह कई राज्यों में एजेंट के माध्यम से फर्जी शादी करवाकर पैसे और गहने लूट कर फरार हो जाती है। इस गिरोह की सबसे शातिर महिला रीना है। 32 वर्षीय महिला की अब तक 32 शादियां हो चुकी हैं। कई मामलों में भांडाफोड़ होने के बाद वो जेल भी जा चुकी है। इसके खिलाफ नर्मदापुरम जेल के पिपरिया थाने में भी इसी तरह से शादी के बाद पैसे जेवर लेकर भागने का पूर्व में प्रकरण दर्ज है। इस मामले में भी वो गिरफ्तार हुई थी। वहीं हर शादी के बाद अधिकतम 7 दिन ही साथ रहती है और इसके बाद वो पैसे और जेवर लेकर भाग जाती थी।